हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय माइसल विवेकानंद फ्रॉम अल्फा प्लस बेटा आज हम एमएससी एंट्रेंस में थोड़ा बात करेंगे इसमें डी यू एम एस सी बी एच यू सी एम आई जे एन यू जामिया साउ कुछ हद तक सम पोर्शन ऑफ टी आई एफ आर सम पोर्शन ऑफ एन बी एच एम बल्कि वो तो पूरे कवर हो जाएगा बेटा उसमें लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन इट कि क्या क्या होने वाला है एक्चुअल में कौन uh, कौन से टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स की बात हो रही है और किस टॉपिक पे कितना समय लगाना है कौन कौन सी किताबें लेनी चाहिए बुक्स ये बहुत जरूरी है आपके लिए जरा तो ध्यान से सुनिए देखिए एम एस एंट्रेंस मैथमेटिक्स अभी जो मैंने आपके सामने एम एस एंट्रेंस लिखे थे लगभग सबका सिलेबस में ये ये वाले टॉपिक्स आपको मिल ही जाएंगे रियल एनालिसिस लीनियर ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी मीट्रिक स्पेसिस रिमान यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ओडी ओ डी एन पी डी हाँ जी वन बाय वन ज़रा ध्यान से सुनिएगा देखिए सबसे पहले रियल एनालिसिस सबसे पहले रियल एनालिसिस और आपकी और मेरी लाइफ में कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देखिए जिसमें मॉडर्न मैथमेटिक्स आता है रियल एनालिसिस हमेशा 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 सदा सबसे ऊपर है जिस बच्चे ने रियल एनालिसिस ठीक से पढ़ा उसकी समझ डेवलप होगी आप क्या करते हैं आप लोग प्यार करते हैं O.D.P.D. से और किसी चीज़ से प्यार नहीं करते है. सब गड़बड़ा जाता है अरे भाई प्यार करना है तो उससे करो ये सबको और प्यारा बना देगा आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा सही सुना आप बहुत अच्छा कर देगा आपको बेहतर बेहतर इंसान बना देगा रियल एनालिसिस टाइम तो लगना ही है अब जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ ऑल ऑफ यू बेटा रियल एनालिसिस के लिए कुछ बुक्स हैं बाटल एंड शर्बर्ट एस के मापा सिंगल एंड सिंगल एंड रियल एनालिसिस फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स बाय बाय विवेकानंद ओके दैट्स माय बुक वेल इसके अलावा आपने कुछ टीचर से सुना होगा सविता अरोड़ा करके भी एक बुक है उसके लिए भी कहते हैं बेटा मेरे नज़र में वो आउटडेट हो गई है प्लीज़ मैं बुक का डिसपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए ना एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी आप देने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है ठीक है समझ आ जाएगा सब कुछ ठीक है बट अभी अगर एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो ये किताब है आपके लिए बाटल एन दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक है और भी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स बुक हैं अब जो चीज़ आपके सामने ऑलरेडी हम कहेंगे उससे प्यार करो तो नहीं हो पाता उतना तो बेटा इससे प्यार नहीं कर सकते तो एस के मापा से कर लीजिए मैं बताता हूँ इसमें क्या आपका बेनिफिट रहेगा एस के मापा में बाटलैंड शर्बट के एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन सॉल्व है समझ में आ रहे हैं तो इसके बहुत सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व है लैंग्वेज क्योंकि ये भाई साहब भी इंडियन है हम भी इंडियन है लैंग्वेज थोड़ा समझ में आ जाती है आपसी प्रेम सद्भाव बड़ा रहता है अच्छा रहता है नेक्स्ट सिंगल एंड सिंगल बहुत ही बेहतरीन ये हस्बैंड वाइफ है में एनालिसिस में किस में इन्होंने किताब नहीं लिखी पूछो मत सब में बहुत अच्छी बहुत अच्छी लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छी समझ के साथ किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं बेटे तीन बुक्स है जिनको सबसे ऊपर रखा जा, जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद रियल एनालिसिस फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम बाय विवेकानंद दैट्स माय बुक देखो बेटा किसी भी बच्चे को ये नहीं बोला जा रहा है कि शुरू शुरू में आप ये लास्ट वाले बुक से शुरू कीजिए ये बुक उन्हीं बच्चों के लिए है जिसको जिनको रियल एनालिसिस की समझ है सीक्वेंस सीरीज लिमिट कॉन्टेंट वेरिएबिलिटी वन वेरिएबल टू वेरिएबल की समझ है क्योंकि इसमें है फायर सही सुना आपने इसमें फायर बच्चा क्या करते हैं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन जैसे भी जो जो भी तरीके से तैयारी करें बट जैसे एग्जाम का क्वेश्चन सामने आता है एकदम से ब्लू समझ में ही नहीं आता क्या करेंगे तो बेटा वही उन्हीं सब चीजों के लिए किताब लिखी गई है कि एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन कैसे करेंगे इसमें ऐसा क्या है इसमें मैं बताता हूँ आपको आई आई टी जैम मैथमेटिक्स आई टी जैम स्टैट्स एन बी एच एम टी आई एफ आर डी एम एस सी नेट के क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ हैं अभी देखो जरा बच्चे बच्चे कैसे कैसे फंस जाते हैं देखो बेटा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि विद सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन समथिंग विद सॉल्यूशन या क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और वो विद सॉल्यूशन में क्या करते हैं पहले क्वेश्चन लिख देंगे और सॉल्यूशन में लास्ट पेज पे देखेंगे ए बी सी डी के सॉल्यूशन टिक मार्क करके दिए हुए ऑप्शन ये वाला करेक्ट है ये वाला कोई डिस्क्रिप्शन नहीं क्यों करेक्ट है कहाँ से क्या आएगा कारण वारण कुछ नहीं यहाँ पूरा पूरा बच्चों के साथ डिस्कस किया जा रहा है ऐसे सोल्यूशन दिए गए हैं कि बच्चे को लगे क्लासरूम में बैठ के सॉल्व हो रहे हैं समझ में आए विद डिस्क्रिप्शन पूरा सॉल्यूशन है जो मैंने छः सात आठ एग्जाम्स के नाम लिए थे उन सबका है आप जाके अमेजन पे फ्लिपकार्टे इस बुक के रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं क्या शानदार किताब है हाँ जी तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं अच्छा इसी के साथ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी एनालिसिस है ये भी एनालिसिस है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी एनालिसिस है, सो लेट मी थ्रो सम मोर लाइट ऑन इट, रह जाएगा। में तीन टॉपिक मैंने बोले आपको क्या क्या वो एक है आपका रिमान इंटीग्रेशन एक है आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और एक है आपका मीट्रिक स्पेस देखो मेरे बेटा ध्यान से सुनिएगा रिमान इंटीग्रेशन यूनिफॉर्म कन्वर्जन यूनिफॉर्म कन्वर्जन हाँ जी ऑल ऑफ यू बेटा बाटलैन शर्बर्ट में रिमान थोड़ा सा है यूनिफॉर्म थोड़ा सा है मीट्रिक स्पेस का भी थोड़ा सा पोर्शन है मापा में भी है सिंगल इन सब में मिल जाएगा आपको सब में मिल जाएगा बट उसके लिए अलग से मैं ये नहीं कह रहा कि अलग से बुक परचेज कीजिए ये सारी किताबें रियल एनालिसिस सीक्वेंस सीरीज लिमिट कॉन्टेंट डेरेबेबिलिटी के लिए आपकी समझ बहुत अच्छे से बढ़ा देंगी और ये वाले टॉपिक्स इन्हीं इन्हीं बुक्स में आपको मिल जाएंगे तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है तो ये पूरा का पूरा रियल एनालिसिस का पार्ट हो जाएगा आप। अच्छा, आपका अच्छा कमिंग बैक सेकेंड नंबर पर आपका लीनरल जबरा है मेरे बेटा लीनरल जबरा हाँ लीनियर अल्जब्रा को दो भागों में डिवाइड कर सकता है अगर बच्चा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एक मेट्रिसिस वाला पार्ट है और दूसरा वेक्टर स्पेस वाला पार्ट है मैंने चार पांच किताबें लिख दी है। है, Kunche, Sille, है। हैं फ्राइडबर्ग है हॉफमैन एंड कुंज है डेविड सिले है शॉर्म सीरीज है अच्छा यहाँ मैं स्पेलिंग के लिए कह दूँ बेटा स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकती है इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो रहा है प्लीज माफ कीजिएगा फ्राइडबर्ग हॉफमैन एंड कुंज इसमें वैक्ट स्पेस अच्छे से दिया हुआ है डेविड सिले में मैट्रिक्स अच्छे से दिया हुआ है इसने पूरा मैट्रिक्स का पोर्शन भी और पूरा वेक्टर स्पेस का पोर्शन भी दोनों को क्लब करके पूरा मैट्रिक्स के साथ इतने खूबसूरती से प्रेजेंट किया है कि मैं नहीं रह सका आपको बिना बताए डेविड सिले बहुत अच्छी किताब फोर्थ लास्ट शॉम सीरीज़ बेटा शॉम सीरीज़ में मेट्रिक्स का काम भी हो जाएगा शॉम सीरीज़ में वैक्ट स्पेस का काम भी हो जाएगा जब तक आप किसी किताब को अपना साथी नहीं बनाएंगे तब तक आप, आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा डोंट गेट इट रॉन्ग मुश्किल होगा चलिए नेक्स्ट हाँ जी रियल बता दिया बता दिया आप ग्रुप्स और रिंग्स में आते हैं बेटा ग्रुप्स एंड रिंग्स देखो बेटा ग्रुप थेरी एंड रिंग थेरी सबसे ऊपर गैलियन गैलियन आपकी कोर्स बुक भी होगी बेटा एमएससी एंट्रेंस के लिए इससे बेहतर किताब नहीं हो सकती है उसमें ग्रुप्स का भी है और रिंग्स का भी है पूरा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर खन्नैन मामरी ले लीजिए इस किताब की तारीफ़ में नंबर टू इस किताब की तारीफ में मैं आपको क्या बोलूँ साल 2011-12 से पहले तक पहले तो उसके बाद तो सिलेबस वगैरह चेंज हो गया उस उसके पहले तक 10 से 15 साल तक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक थी बेहतरीन किताब है वो ग्रेजुएशन करने वालों को भी काम आती है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं उनको भी काम आती है इसमें इतना अच्छा दिया हुआ है खनैन मामरी सिंगल एंड सिंगल अगेन मैंने एनालिसिस के लिए बोला था इसके लिए ये मैं आपका ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी के लिए भी बोल रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से लैंग्वेज लिखी गई है समझ में आ जाएगा और लास्टली माई बुक ग्रुप थ्योरी फॉर एंट्रेंस एग्जाम बाय विवेकानंद अगेन आई टी जैम मैथ्स के क्वेश्चन नेट गेट टी आई एफ आर एनबीएचएम डी यूएमएससी के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन तो मैंने इसमें यूपीएससी के भी डाले हैं बिगिनर के लिए ये चल जाएगा यहां चल जाएगा एनालिसिस में बिगनर के लिए नहीं चलेगा बिगनर के लिए कोई नया बच्चा अगर पढ़ना शुरू कर रहा है तो ये बुक ले सकते हैं हां जी ये मैं बिल्कुल बोलूंगा आपको लेने के लिए नेक्स्ट रियल हो गया लीनियर हो गया ग्रुप रिंग हो गया मीट्रिक स्पेस बता दिया रिमान भी हो गया बेटा यूनिफॉर्म भी होगा अब लास्टली ओडीएन पी डी पे आइए हां जी ओडीएन पी डी बेटा किताबें तो बहुत है आपका काम किससे होगा एक तो है राय सिंघानिया एक है स्नेडन एंड सो मैनी थिंग्स ठीक है ये राय सिंघानिया का साइज थोड़ा समझ रहे हैं ये थोड़ा क्लासिक बुक है स्नैडन अब ओडी पीडी में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को बेटा यही देखा गया है बच्चे क्या करते हैं ओडी वाला पोर्शन तो कर लेते हैं लेकिन पीडी वाला छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन जो सेट करेगा वो आपसे भी ज़्यादा आगे है वो पीडी से ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं ओडी से कम देते समझे तो ओडी तो करना ही पड़ेगा आपको बिना ओडी के पी तो हो नहीं सकता तो वो ओडी करो फिर पी पे आगे बढ़ो पीडी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं जो भी आपके कोर्स की बुक है जहाँ से भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो वाली किताब से भी आपका काम हो जाएगा इस स्पेशली कोई किताब नहीं रिकमेंड की जा रही है आप लोगों को अच्छा अब दो तीन बातें और सुन लो इन क्योंकि फिर पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा यस रियल एनालिसिस की तारीफ में मैं कह रहा हूँ जिसको बेहतर इंसान बनना है जिसको मैथमेटिक्स की समझ चाहिए जो चीज़ सोच के आपने ट्वेल्थ क्लास में ट्वेल्थ क्लास के बाद ट्वेल्थ क्लास के बाद मैथमेटिक्स लिया था या मैथमेटिक्स की तरफ कदम बढ़ाया था बेटा वो वाली चीज़ अगर आपको अपने अंदर डेवलप करनी है तो आपको रियल एनालिसिस को साथ ही बनाना पड़ेगा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा समझ भी उसी से डेवलप होती है वो बाकी सबको अच्छा बना देगा रियल एनालिसिस लीनियर अल्जब्रा अच्छा रियल एनालिसिस के क्वेश्चन कितने आएंगे रियल में सब है बेटा मीट्रिक भी इंक्लूड कर रहा हूँ रीमान भी इंक्लूड कर रहा हूँ यूनिफॉर्म भी मीट्रिक नहीं करना चाहिए बट यू नो एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं साल 2015-16 का पेपर उठा के देखिएगा तो पहले पांच क्वेश्चन है ना वो मीट्रिक स्पेस हैं फर्स्ट फाइव क्वेश्चन ये पंद्रह सोलह की बात कर रहा हूँ मैं अच्छा और पेपर वाइज अगर मैं बात करूँ डी ओ की पर्टिकुलरली तो कभी उसमें सेवेंटी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी फिफ्टी आ जाते हैं कभी मल्टीपल multiple... आ जाते हैं कभी सिंगल करेक्ट पूरा पेपर ही सिंगल करेक्ट होता है तो ये सब चीज़ें तो बदलती रहती हैं कोरोना के बाद तो वैसे ही बहुत कुछ बदल गया तो दीज आर द थिंग्स अच्छा रियल में तो हो गया बेटा लीनियर में मैंने आपको सब बता दिया है लीनियर बहुत खूबसूरत है लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ग्रुप थेरी रिंग थेरी में वही चक्कर है जो ओडी डी में है बच्चा ओ करके जाएगा पी छोड़ देगा वो पी में फंसा देंगे बच्चा ग्रुप थेरी करके जाएगा रिंग थिरी छोड़ देगा वो रिंग थिरी में फंसा देंगे वो रिंग थेरी के क्वेश्चन ही ज़्यादा देते हैं भैया ठीक है ध्यान रखिएगा और बाकी तो मीट्रिक स्पेस से आपके एक बार पांच क्वेश्चन आ गए थे यूजुअली दो क्वेश्चन आ जाते हैं दो से तीन रिमान से दो क्वेश्चन एग्जैक्टली यूनिफॉर्म से एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं और ओडीपीडी से बहुत सारा पोर्शन आता है इसके अलावा एक टॉपिक रह गया न्यूमेरिकल एनालिसिस बट वो मिसलेनियस में डाल रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है न्यूटन ऑप्शन मैथड एंड सो मैनी थिंग्स समझ में आ रहे हैं बेटा सो विद ऑल दीज थिंग्स कोई क्वेश्चन है आपकी कोई क्वेरी है कोई कन्फ्यूजन है कैसे होगा कैसे नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ़ोन नंबर्स दिए हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू